हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फॉर्म एकेडमी में। दोस्तों, यूपी बिहार 2018 से जुड़ी बहुत वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हैं, बहुत हमें कमेंट मिले हैं। हमने ज्यादातर कमेंटों की कोशिश की है कि हम उनका आंसर दे दिया, उन्हें संतुष्टि दें, मगर फिर भी कुछ कमेंट्स हैं जो ज्यादा कमेंट्स हमें मिले हैं और बार बार उनका क्वेश्चनों का जवाब देने के बाद भी फिर से वही कमेंट रिपीट हुए। तो वे जो क्वेश्चन है जो हमें कमेंट्स में मिले हैं उनको हमने हाईलाइट किए और उस पर ही एक खास वीडियो लेकर आए हैं जिससे आपकी हर समस्या को दूर करने की कोशिश की है। देखिए, जो स्कॉलरशिप से जुड़े कमेंट्स है, जो स्कॉलरशिप से जुड़े बच्चे हैं, स्कॉलरशिप के लिए हम बता दें कि 5500 रुपए फीस जो है आपकी रिफंड फीस के अलावा 5500 रुपए स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। ये सरकार ने घोषित किया है कि आपको 5500 रुपए तो मिलेगी स्कॉलरशिप और प्लस फी रिफंड होगा, यानी आप जिस कॉलेज में है गवर्नमेंट कॉलेज की जितनी फीस है वो रिफंड होगी। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से पढ़ते हैं और उसकी फीस जमा करते हैं तो वो आपकी रिफंड होगी, यानी 5500 रुपए स्कॉलरशिप प्लस आपका फीस रिफंड होगा। काउंसलिंग लेटर के बारे में जो बहुत कमेंट्स मिले थे, काउंसलिंग लेटर कब अपलोड होगा, तो इस बारी काउंसलिंग लेटर अपलोड नहीं होएगा, इस बारी काउंसलिंग लेटर अपलोड नहीं हो रहा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल साइट पर डाल दिया है शेड्यूल और शेड्यूल के मुताबिक 1 जून से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बच्चे वेट ना करें काउंसलिंग लेटर का, क्योंकि इस बारी काउंसलिंग लेटर अपलोड नहीं होएगा। आप 1 जून से अपनी काउंसलिंग स्टार्ट करा सकते हैं। जिन बच्चों की रैंक लेस देन 25,000 है, यानी जो 25,000 रैंक तक के बच्चे हैं, वो पहले दिन 1 जून को अपनी काउंसलिंग कराएं। ड्राफ्ट के बारे में जो जरूरी है कमेंट हम बता दें कि ड्राफ्ट इस बारी नहीं बनवाना है आपको, आपकी ऑनलाइन फीस जमा होगी। ऑनलाइन फीस में आपको आपका IFSC कोड भरना होगा, बैंक कोड भरना होगा, ब्रांच नेम भरना होगा और किस बैंक से है उसे भरना होगा, और आपको 750 प्लस 5000 रुपए के दो फीस कटानी होगी आपके बैंक से। आप उसी अगर आपका एडमिशन हो जाता है, वो हमने पिछली वीडियो में डाल दिया है, हमारे लिंक से आप जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। तो इस बार ड्राफ्ट ना बनवाएं, आप नेट बैंकिंग से फीस कटवाएं। अदर स्टेट से जुड़े बहुत कमेंट्स मिले हैं कि सर, मैं इस स्टेट से बिलोंग करता हूं, इस स्टेट से बिलोंग करता हूं, तो अदर स्टेट के लिए 5% सीट है और वो 5% सीट उनकी उनकी जनरल रैंक से मिलेगी। वो SC से हैं, OBC से हैं या ST से हैं, ये मायने नहीं रखता। अदर स्टेट के लिए सिर्फ जनरल रैंक से उन्हें सीट मिलेगी, तो और अदर स्टेट के लिए केवल 5% सीट है। तो अदर स्टेट के बच्चे ध्यान दें, जनरल रैंक से उन्हें सीट मिलने वाली है। इनकम सर्टिफिकेट के लिए बहुत जरूरी है कि जिसने इनकम सर्टिफिकेट अभी नहीं लगाया है, कोई जरूरी नहीं है अभी इनकम सर्टिफिकेट का, आप इनकम सर्टिफिकेट अपनी स्कॉलरशिप के टाइम जमा कर सकते हैं, यानी जब आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरेंगे तब आप अपना इनकम सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। और जिनकी इनकम N1 इनकम 2 लाख से कम है, मैं सलाह दूंगा कृपया वही बच्चे केवल इनकम सर्टिफिकेट लगाएं, क्योंकि सरकार के मुताबिक जिनकी इनकम 2 लाख से ज्यादा है वो उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, तो उनके मायने भी नहीं है इनकम सर्टिफिकेट के। तो केवल 2 लाख तक के बच्चे अपन इनकम सर्टिफिकेट लगाएं जब अपना स्कॉलरशिप भरे, अभी इनकम सर्टिफिकेट की इतनी जरूरत नहीं है। देखिए आगे, देखिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट, इस बारी ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर ही जाएं, अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर जाएं, इस बात को फिर दोहरा रहा हूं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल साइट से साफ मना किया है कि हम प्रोविजनल कॉपियों को नहीं मानेंगे, फोटोकॉपी को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर जाएं, जो आपका 10वीं का है, 12वीं का है, ग्रेजुएशन का है, BEd का है, जो भी आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट है सारे ओरिजिनल होने चाहिए, किसी भी तरीके की फोटोकॉपी प्रोविजनल नहीं चलेगा। दोस्तों, आपके जो कमेंट्स ज्यादा से ज्यादा मिले हैं हमने अपनी इस वीडियो में देने की कोशिश किया है, और हम बाकी जो वीडियो है हमारी अपने लिंक पर छोड़ रहे हैं, हमारे लिंक से जाकर आप वीडियो ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।